highways to my shadow through the. Hello everyone. Hello Shiva. बाहर आओ. तो हम लोग नहीं हम लोग नहीं, मेरा फेस ज़्यादा गोरा लग रहा है, ज़्यादा फिल्टर लगा दिए क्या? बहुत वाइट वाइट फेस आ रहा था. ठीक है, बढ़िया लग रहा है. क्या फोन है? तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं निशातगंज मार्केट शॉपिंग करने. पूरा मार्केट लेकर आएंगे. इसको पकड़ो. दीदी जा रही गाय को रोटी खिलाने. हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने. हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने. कल हम लोग गए थे मॉल, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे युद्ध हो गया था. वहाँ पे युद्ध हो गया था इसलिए हम लोग वापस आ गए. आज हम फिर से जा रहे हैं. और ये मेरा भाई है, नेहा का भाई है. और गांव में शादी. वीडियो ऑन है, दिख रहा है गाँव? हाँ ठीक है. और गांव में शादी है ना शिवा? हाँ. किसकी शादी है? भाई की. भाई की शादी है. उससे इसके लिए सबसे पहले कपड़े लेंगे शिवा. और हम लोग कपड़े पहनेंगे पुराने. तो हमारे लखनऊ की बुद्ध मार्केट आपको दिखाएंगे. वहाँ पहुँचने के बाद आपको दिखाती हूँ मैं. हम लोग जाएंगे टैक्सी से, और क्योंकि हम लोग गाड़ी वाले नहीं हैं, हम लोग टैक्सी वाले हैं. तो गाइस हम लोग आ गए हैं टैक्सी स्टैंड पे. टैक्सी स्टैंड पे आ गए हैं, हम टैक्सी लेंगे यहाँ से. टैक्सी यात्री है. शिवा बताओ कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया. आपको मैं दिखाती हूँ बाजार अपनी. बाजार दिखाओ. देखिए मैं शायद एक बार, और पिछली बार भी मैं एक बार गई थी तो मैंने दिखाया था, इसका ब्लॉग बनाया था. लेकिन पिछली बार मैंने डिटेल्स नहीं बताया था, तो अब मैं बता रही हूँ कि जैसे यहाँ से मार्केट पूरी शुरू हो जाती है, और शुरुआत में बहुत सारे यहाँ पे बच्चों के खिलौने हैं. और मतलब ये देखिए सामने, ये मतलब गमले हैं, फूल हैं, ऐसे आर्टिफिशियल बहुत सारे अच्छे हैं. बाज़ार काफ़ी बहुत बड़ी लगती है. सारा सामान मिल जाता है इसमें, सारा सामान आपको मिल जाएगा, कपड़े से लेके खाने पीने तक की. और मतलब डेकोरेशन का भी सामान काफ़ी मिल जाता है. और ये मार्केट ना सबसे अच्छी मिडिल क्लास वालों के लिए है, कि मतलब बहुत महंगा भी नहीं होता है और सही रेट में मिल जाता है. लेकिन हमने देखा यहाँ पर बहुत सारे मतलब जो बहुत बड़े लोग हैं वो लोग भी आते हैं तो शॉपिंग करने, और वो लोग भी ख़रीदते हैं वैसे वैसे चीज़ें जो बहुत ही कम रेट में मिलती हैं, जैसे कि जो हम लोग देखते हैं उसको मतलब लेते हैं. तो वो सब लोग भी, सभी लोग आते हैं. मैंने देखा बहुत से बड़े बड़े लोग भी आते हैं. तो बस ये मार्केट सबके लिए है. सेल 150, 300, 250. ये देखो जी, गर्म पहनने के लिए ले लो ना. हैं ये बहुत अमीर है, इसके पास बहुत सारे कपड़े. ये अच्छी लग रही है. जा रहा की गर्म नहीं लगी है. ये देखिए दोस्तों, बहुत सारी क्वालिटी, बहुत सारी वैरायटी में यहाँ पे सामान उपलब्ध है.
आपको यहाँ पे सारी वैरायटी का सामान मिल जाएगा, फूल पत्ती, और यहाँ पे दिख गया लड़कियों का फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट। तो बस हम लोग वहाँ पे रुक गए और देखने लगे, कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई तो हम लोगों ने ले लिया। ये था फाउंडेशन, तो बस ऐसे देख रहे थे, अच्छा लगा काफ़ी तो ले लिया बस। और एक फेस पाउडर है देख रहे थे, और भी काफ़ी चीज़ें हैं देख रहे थे। और यार सबसे औसम, सबसे एकदम बहुत ही जानदार चीज़ ये थी ईयरिंग्स, बहुत ही ये बड़ी ईयरिंग्स हैं, पार्टी वेयर हैं, ये शादी वगैरह में पहनने के लिए बहुत अच्छी हैं। तो बस हम लोग देख रहे थे, और ये सब जो बड़ी वाली है ऊपर की हैं, ये 100 के ऊपर हैं, और बाकी जो छोटी हैं मतलब डेली वेयर में, वो 100 से नीचे मिल रही थी। बाज़ार है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही सस्ता मिल जाएगा, मतलब ये है कि हाँ ठीक ठाक रेट में मिल जाता है। ये छोटी छोटी जो है ये 50-60 के आसपास। और ये गली है साड़ियों की, पर्दों की, सूट की, यहाँ पे लेडीज़ का सारा सूट वगैरह मिलता है। ब्लाउज की वैरायटी, ब्लाउज तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर बताएं ये आज मेरा लुक, मेरा स्टाइल कैसा लग रहा है। मैंने आज बीच से मांग निकाली है और थोड़ा बहुत टचअप कर लिया फेस पे, और थोड़ा बहुत फिल्टर का काम आ लाए। तो बस सबसे पहले ये बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और बस हम तीनों जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और मार्केट के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए बात मैं कहना चाह रही हूँ कि जैसे जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग बहुत तरीके की बातें करेंगे, लेकिन जो लोग जानते हैं, जो लोग लखनऊ में रहते हैं, घूमे हैं, उनको पता है कि कैसी मार्केट है, ठीक है। तो ये मार्केट ऐसी है ना कि ये हर तरीके के लोगों के लिए है, और हर रेंज के हिसाब से मार्केट है ये। अगर किसी के पास 2 रुपये है तो आप 2 रुपये की चीज़ इसमें ले सकते हैं, अगर आपके पास 10 रुपये है तो आप 10 रुपये की चीज़ ले सकते हैं, अगर आपके पास 1000 है तो आप 1000 वाली चीज़ ले सकते हैं। ये ऐसी मार्केट है, ठीक है। और मतलब इसमें हम आपको बता दें, पूरे घर की चीज़ मिल सकती है, मतलब डेली वेयर, मतलब हर तरीके की चीज़ मिल सकती है, ठीक है। और जो लोग नहीं जाते हैं उनको नहीं पता है, लेकिन जो लोग रहते हैं, देखे हैं इसमें, मतलब हर टाइप के लोग आते हैं। मैंने देखा है बहुत बड़े से लोग इसमें आते हैं, और मतलब जैसे कि होता नहीं, एक अगर नेट आपको लेना है, जैसे सूट है, साड़ी है, ब्लाउज है, उसको नेट भी लेना है 10 तरीके का, वो भी इसमें मिल जाएगा। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है मार्केट, मुझे तो कुछ भी लेना होता है तो मैं चली जाती हूँ। हाँ जैसे अगर मान लीजिए कहीं जाना है, शादी है, तो उसके हिसाब से अगर मिल रहा है तो ले लेती हूँ, नहीं मिलता है तो मैं दुकान से ले लेती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अपने बजट के उसके हिसाब से मैं देखती हूँ कि मुझे कहाँ से क्या लेना है, ठीक है। मुझे इतना दिखावा करना नहीं आता है। कुछ लोग दिखावा करते हैं कि अगर मार्केट है तो इसमें बहुत बेकार सा लो क्वालिटी मिलता होगा, तो ऐसा नहीं है, उनको नहीं पता है ना, इसलिए वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। और कुछ लोग तो दिखावा ही करते हैं कि भाई मुझे तो महंगा पहनना है, मुझे तो इतने का पहनना है, तभी मैं लगूंगी कि हाँ मैंने यहाँ से ख़रीदा है और मैं इस कैटेगरी की हूँ, ऐसा नहीं है। और देखिए सिक्योरिटी कितनी है, कितने सारे पुलिस वाले यहाँ पे हैं, और पूरी मार्केट को मतलब सिक्योर करते हैं, सेफ्टी रखते हैं, दुकानें कहाँ लगनी है, कहाँ नहीं लगनी है, किस साइड हैं, और मतलब कि जैसे कि होता नहीं, एक सामान एक साइड में लगा हुआ है और दूसरे टाइप का सामान दूसरे साइड लगा हुआ है, तो बहुत बड़ी है। तो हर जगह सब लोग जाते आते हैं, घूमते हैं, देखते हैं। और
तो बस जिनको नहीं पता है वो लोग ऐसा बोलते हैं, जिनको पता है वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, मौज करते हैं। तो बस हम लोग भी थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदने गए थे, देख रहे थे। भाई मैं तो लखनऊ में रहती हूँ और मुझे तो, और मैं इतनी पैसे वाली भी नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा वैसे खरीदूँ, तो बस हम लोग यहीं से ले लेते हैं। और ये कान के हैं, बहुत सुंदर सुंदर कान के हैं, तो नेहा को लेना था तो हम लोगों ने ले लिया है। तो बस आप लोग वीडियो को देखते रहें और सपोर्ट करते रहें, लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी करते रहें। सो गाइस, अभी हम लोग पूरा मार्केट घूम लिए हैं और जो कपड़े लेने आए थे वो कपड़े नहीं मिले हम लोगों को। पूरी बाजार घूम चुके हैं, एनर्जी लेस हो चुके हैं, तो बस अब जा रहे हैं वापस घर। नेहा को ये पसंद है, नेहा लेने जा रही है। कौन से कलर पसंद है? कौन से कलर पसंद है? पिंक। पिंक। नेहा ने पिंक लिया है। मुड्डी के बाल, मुड्डी के बाल, इसे तो अपने दादी के बाल खा लो। ये लड़की खा रही है मुड्डी के बाल और ये लड़का फुला रहा है बैलून। वाह पागल। इसको क्या बोलते हैं? आराम से इसको बोलते हैं बुड्ढी के बाल। नहीं हाँ, इंग्लिश में क्या होता है? कैंडी फ्लो। कैंडी फ्लो। कम कम खाओ, हम भी खाएंगे, तुम मत खाओ। और दोस्तों हम लोग शॉपिंग करके, शॉपिंग बैग कहाँ है? शॉपिंग बैग दिखा रहा है आपको, ये शॉपिंग बैग यार कितना मस्त है। शॉपिंग करके थक चुके हैं और बस बाज़ार के आसपास ये छोटा सा पार्क था तो हम लोग वहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर अभी दोबारा जाएंगे घूमेंगे। मीठा लगा आपको? कड़वा लगता है? आपने निकाली थी बिस्किट की मांग, कैसी लग रही है? आजकल का फैशन है तो जो हम भी ट्राई करते हैं। ये रास्ता है। आंखों क्या है? ये निकाल रखो। और आप लोगों को बता दें, जैसे जो लोग जानते हैं दिल्ली में जैसे कि सदर मार्केट है, और कौन सी मार्केट है? सदर मार्केट एंड सरोजनी नगर मार्केट ना, वैसे ही हमारे लखनऊ की बुद्ध मार्केट है। तो बस हो गई बहुत सारी बातें, बहुत सारी घूमी घूमी, तो ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। और यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए बगल में पार्क है छोटा सा, तो वहाँ पे आराम करने आए थे, थोड़ा सा बैठे हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे और थोड़ा खाएंगे पिएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। तो आप लोग को ये मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट करके, और मेरे ब्लॉग को, वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जिस जिसको मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगता है, जो लोग देखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, कोई भी कमेंट नहीं करता यार, सो बैड। ओके टाटा बाय बाय।